आज जो त्यांनी केलेला जो प्लॅन आहे तो खूप चांगल्या पद्धतीचा आणि जबरदस्त चांगला आहे सर. मी त्याच्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार मानतो आणि तुमच्या माध्यमातून आपण हा प्लॅन सर्व राज्य संघटनांना जेंडर इक्विटीसाठी आपण प्रयत्न करूया. या ठिकाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन झालं हे माझे महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक असोसिएशनचे कलीग आणि माझ्याबरोबर काम करत मॅडमने आता सांगितलं वकील लोक फक्त सगळे एकत्र मिळून स्टेजवर पण धमाल करत आहेत, त्याच्यानंतर कोर्टात पण धमाल करत आहेत, मॅडम हे ऑलिम्पिक असोसिएशनमध्ये पण धमाल करत आहेत. त्यामुळे असे आमचे मित्र आमचा खूप गर्व विषय झाला. निवडणूक अनाऊन्स झाली, प्रत्येक लोकांनी सगळ्या ठिकाणी फॉर्म भरले, एक चार माणसं तिकडे चार माणसं इकडे अशा पद्धतीचे दोन गट तयार झाले. माझ्याकडे सर आले, सर म्हणाले अरे बाबा तू रिजेक्ट होणार तरी प्रपोजल दे, पण तू प्रपोजल तर दे कमीत कमी काहीतरी होऊन जाईल. आणि या माणूस त्या ठिकाणी आले सकाळी अमरावतीवर, अमरावतीवरून सकाळी उतरले, आले आले माझ्या रूममध्ये आले आणि सांगितलं नाही आपल्याला आता हे सामंजस्याने मिटवता येते बघू बघूया. तर मला असं वाटतं की एक ॲडव्होकेट आणि एक सुंदर असा हा आयोजक आणि संयोजक आणि स्वतः खेळासाठी एक जाणता राजा अशा पद्धतीने मदत करणार, खेळाडूंच्या मागे उभं राहणार, त्यांनी तो तिळा एका मिनिटात सोडवला आणि आज आमचा कॉम्प्रोमाइज होऊन ती निवडणूक बिनविरोध पार पडली असे आमचे प्रशांत देशपांडेजी मी तुमच्या मनापासून आभार मानतो. आणि खूप सुंदर तुम्ही काम करताय आणि माझ्या तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा आहे. ॲज आय ऑल्सो मेन्शन विदाउट स्पॉन्सर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मूव. It is very, very difficult to move. Nowadays, all companies, all corporates are facing a lot of issues. But beside all these crunches, beside all these situations, NTPC has came forward. And I sincerely thank you from the Indian Olympic Association, Maharashtra Olympic Association, sir. Your efforts and your supports require our sportsperson. I am also a sportsperson. I have been supported by somebody. Now it's my duty to support my future sports person, and we all together we have to work together. So I sincerely thank to you all of you for their support. आणि या ठिकाणी असलेल्या ज्यांनी आज या अमरावती शहराचं पहिलं महापौर पद भूषवलं, ज्याही त्यांची प्रेरणा घेऊन आमचे देशपांडे सर आज काम करत आहेत, त्यांनाही मी मनापासून वंदन करतो. तुमचा आशीर्वाद त्यांच्याप्रमाणे आमच्याही मागे असावा. मी भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाची निवडणूक लढतो आहे, माझे मोठे बंधू आणि माझ्या आईवडीचे वोटर त्यांनी ऑलरेडी मला खूप चांगला कॉन्फिडन्स दिला, पण तुमचा विश्वास तुमचा आशीर्वाद आहे असा माझ्या मागे असू द्या, जेणेकरून राज्यासाठीच नव्हे देशासाठी काम करण्याची संधी मला मिळेल. मी तुमचाही मनापासून आशीर्वाद आणि हे करतो. आणि त्यानंतर मी याच मंचावरून आर्चरी असोसिएशनची जी टीम आहे, आर्चरी असोसिएशन ऑफ इंडिया टीम जो जो वर्किंग हार्ड, I would like to give them a wishes on behalf of my president, Dr. Narendra Batra, and I also, with a folding hand, request Archery Association of India to support him for his upcoming elections and his tenure. We will have such a dynamic president of Indian Olympic Association who will help us because he has proved with a hockey medal, and I think that we have to work and we have to support him. I also thank you, Mr. my friend who has ट्रॅव्हल विथ मी अलॉन विथ मी संदीप अंबासजी टायकॉन्डो कॉमन प्लेयर्स अँड ही हॅज अ ग्रेट जॉब फॉर दिस स्टेट. आणि क्रीडा भारतीची या ठिकाणी जी टीम आली त्या ठिकाणी त्यांनीही आज खूप चांगल्या पद्धतीचा आमचा संवाद झाला आणि त्या माध्यमातून आपल्याला काय एकत्र काम करता येईल अशा पद्धतीचं काम आपण करूया. ज्या पद्धतीने अमरावती शहराचं एक स्वतःचं एक महत्त्व आहे, अमरावती शहर एक स्वतःमध्ये एक क्रीडा क्षेत्रातली हब आहे. आज एक हनुमान व्यायाम प्रसार मंडळ असू द्या किंवा इतर अमरावती शहरामध्ये असणाऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर सोयी सुविधा असू द्या, या अमरावती शहराने मला असं वाटतं भारतातले सगळ्यात जास्त फिजिकल एज्युकेशन टीचर जे काही ऑल ओव्हर इंडियामधून गेले आहेत ते अमरावती शहरामधून गेले असतील असं मला वाटतं. आणि ही आज कुठेतरी शोकांतिका आहे की या सगळ्या कॉलेजकडे महाराष्ट्र शासनाचं बऱ्यापैकी दुर्लक्ष होत चाललं आहे. मला असं वाटतं हे जे काही बंद पडलेले आहे किंवा ज्या अशा योजना या कुठेतरी आपण एकत्र येऊन सुरू करायला पाहिजे आणि या शहरामधून जी चालना जी आपल्याला आपल्या खेळाच्या स्पोर्ट्सला मिळेल त्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे.
वन सेकंड आई थैंकफुल टू ऑल माय एथलीट्स एंड आई कांग्रेचुलेट यू इट्स जस्ट बिगिनिंग वी हैव अ लॉट ऑफ आइडल्स व्हिच वर कमिंग एंड कंपीटिंग आई पर्सनली विजिटेड टोक्यो वेन्यू ड्यूरिंग द टोक्यो ओलंपिक गेम्स एंड इट वाज अ फैंटास्टिक एवरी सिंगल आर्चर हैज ट्राइड देयर बेस्ट देयर वाज एन नंबर ऑफ इशू जो एथलीट्स आज ग्राउंड पे कम्पीट करते हैं हम वहां से देखते हैं इसको मेडल नहीं आया He has not achieved these things, but it is very difficult when you perform on the ground because for that particular athlete, he has to face weather, he has to face pressure, he has to face lot of things, and then he has to shoot the, then he has to do his sport. So it is very difficult. But I sincerely thankful to all the champions. I think it's a beginning, and I wish you all the best. I hope that you will be succeed. In the upcoming World Championship, I hope you will finalize the Indian team which is going to be participating in the upcoming World Championship. So I wish you all the best. And once again, Amravati Karani, who are the Satta, Sagaya Krida Chetanatya, Jagai Lukani Kela, Mala Savatta, Kimi Abdadla Sahe, Apan Ekatar Yevun, Kam Karakare, and a Pamina Abla Pradesh, Abla Gav, Abla Jilla, and Abla Raja, and Abla Desh, a Saksham Karakare, आणि हे मिशन आपल्याला घेऊन मिशन ऑलिम्पिक या नावाने आपण घेऊन चाललोय मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो या ठिकाणी माझं मला बोलवलं माझा सन्मान केला त्याबद्दल मी सर्व संयोजकांचे सर्व आयोजकांचे मनापासून आभार मानतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो जय हिंद जय भारत जिनकी अभी अभी स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सेक्रेटरी पद की नियुक्ति हुई वो हमारे सहकारी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अमरावती डिवीजन श्री संतान सर उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स मैं सभी खिलाड़ियों को हमारे आए हुए मेहमानों को लास्ट और दिस प्रोग्राम के लिए जो कार्ड मुझे दिया गया है वोट ऑफ थैंक्स सर सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ आज हमारे देश हमारी एम पी मैडम जो समय निकाल के इतने टाइम से 4:15 से लेकर अभी 7:30 बज रहे हैं तार पर यहाँ खड़ी थी हमारे सारे प्रोग्राम देखिए हमने खिलाड़ियों को अप्रिशिएट किया और उनके भाषण में भी उन्होंने जिनका जिनका नाम लिया है मेरे गरीब अनिल यादव और बड़े भैया सदानंद जी और किला प्रेमी प्रवर जी मैडम हमारे देश जो आपके सुरक्षा से बनी थी कंटिन्यू उसमें मैं और संसद कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं ये मेरी विनती है हमारे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया चंद्रकर सर से कि नेशनल के बाद एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट अगर अमरावती में से तो रेंज का सही मायने में उद्घाटन हो रहा है ऐसा मुझे लगेगा इस कार्यक्रम को टाइम निकाल के मैडम आगे हैं और हमारा खिलाड़ियों का जो प्रोत्साहन बढ़ा है इसके लिए मैं आयोजन समिति की ओर से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आभारी हूँ आज के कार्यक्रम में हमारी 10 दिन के पहले जो तैयारी चल रही थी बहुत सारे प्रॉब्लम सभी ने चाहिए मगर हर बार हमें स्टेडियम की साफ सफाई जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम थे कल खाना खाते समय हमने महापौर साहब को यह किया कि भाई ऐसे ऐसा सर काम आया हमारा दो मिनट में हो जाएंगे इन जी हूँ इनको भी हमने पूछ के सभी नगर सेवक महापौर जो हमारी अमरावती महानगर पालिका की टीम जिन्होंने जिन्होंने हमको मदद किया है उनकी ओर से हमारे महापौर साहब भी आज दिन भर हमारे साथ रहे उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रदर्शन करता हूँ आज इस कार्यक्रम में जिन्होंने आखिर में आके टाइम पे हमारा भी नाम दिया जिसकी जो कहते हैं उसको भी बहुत बड़ा बना देते हैं ऐसे नाम भी जी कुछ काम नहीं किया उन्होंने टूर्नामेंट में सिर्फ उनके साथ 5 साल रहता था हमें जो भी खिलाड़ी हैं जो भी शासन की स्कीम्स है सर्वसामान्य पर्यंत पोहोचवण्याचा जो प्रयत्न माझ्याकडून झाला होता एवढे वर्ष मी तिकडे काम केलेलं आहे आज माझ्या अनुभवीला परत यावं लागलं उपसंचालक म्हणून माझा गौरव झाला इथेच मी शिकलेलो हनुमान शाळेमध्ये इथून पुढे 3 वर्ष ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी करता येईल त्यासाठी आज माझे मित्र माझ्यासोबत जिया सर बसले होते आणि परवेश भाई यांनी सांगितले की मॅडम आणि शेतकरी सरांना विनंती की ऑस्ट्रोटर पाहिजे आम्हाला ऑफिसचं आमच्या मागण्या काही थांबणार नाही परंतु ऑस्ट्रोटर आपण नक्की करूया याच्यासाठी सुद्धा खेळ वेळेला आपण मॅडम प्रस्ताव पाठवणार आहे तिथे आम्हाला किती सपोर्ट लागेल ज्या उल्लेख केला होता स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडियाचा मी सेक्रेटरी आहे मॅक्झिमम नॅशनल ऑफ इंडिया घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत असे आमचे मित्र आणि तिथे मला सुद्धा
विनंती करतो आभार मानतो आज कार्यक्रमासाठी। अरे अभिनेत्री अत्यंत सुंदर असं समालोचन केलं हुसेनी सरांसोबत। संजीव सिंग जी त्यांचं सुद्धा मी आभार प्रदर्शन करतो। उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा स्पीच उन्होंने किया है। पूरे प्रोग्राम में मैडम भी बोल रही थी, कौन कौन कमेंट कर रहे थे, हुसेनी साहब और हमारे संजीव सिंह जी, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। हुसेनी साहब के बारे में तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने बहुत कुछ कहा है, इसलिए मैंने पता नहीं क्या कर दिया मुझे। एक्चुअली इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन है तमिलनाडु से, जिससे मैं 3 दिन से उनके साथ में रहा हूँ। जिसका ट्रेनिंग हो, कुछ जिसका ट्रेनिंग हो, सबका काम उनका प्रोत्साहन बढ़ाने का है, इसलिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई और जो कैपेबल है हमारे इंडिया के सेक्रेटरी एशियन आचार्य के सदस्य जो हो गए मनोजी तेंदुलकर, एक महीना पहले से मेरे पीछे लगे थे कि सर ये टूर्नामेंट हमको लेना है। 2 साल के बाद कोई बड़ी टूर्नामेंट आज अमरावती में हमारे पास हुई, तब मैं तो बोलता हूँ महाराष्ट्र में पहली टूर्नामेंट इतनी बड़ी हो गई है, क्योंकि सभी तरफ यही मामला है कि वो टूर्नामेंट हो ही नहीं रहे, बच्चे आ ही रहे, क्योंकि एक तो कोरोना था, उसके बाद हमारा तो ऐसा था कि यहाँ पे थोड़े से राइट्स हो गए, पर 5-6 दिन तो सब छुट्टियाँ मिल रही बड़ी हमको। मगर दोनों ने प्रमोदी तेंदुलकर और प्रशांत जी ने जो हिम्मत से काम किया है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। इतना अच्छा टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया तो बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला। गवर्नमेंट में भी ऐसी टूर्नामेंट नहीं होती है। मैं चाहता हूँ शासन की स्पर्धा सुधा अशा चांगल्या झाल्या पाहिजे। इवन जिल्हा स्तराचे असू दे, तालुका स्तराचे असू दे, म्हणजे खेलो इंडियाच्या स्पर्धा असू दे, जाधव सरांना कलच मी सांगितलं माझी विनंती आहे आमच्याकडे, अशा चांगल्या स्पर्धा घेण्याचं भाग्य आम्हाला लाभलं पाहिजे। आणि असे टूर्नामेंट देखील तोही अच्छा आदर सर्वांना देऊ शकते। हे खेलो इंडियाचा 3 साल का सीरियल था, 3 साल महाराष्ट्रात चॅम्पियन रहा, हरियाणा में हुआ, इस बार हरियाणा होने वाला है, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ और गुवाहाटी में पिछले साल हुआ था। और महाराष्ट्र के स्किल पे मुझे पूरा भरोसा है, मैं खुद खिलाड़ी हूँ, 3 साल हम लोग चैंपियन रहे। ऐसे ही हमारे प्रमोदी तेंदुलकर जो हमारा हौसला बढ़ाते थे, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे कहने पर दिल्ली से उनके साथ में थे हमारे रेलवे के इंस्पेक्टर साहब और टाइकंड एसोसिएशन के सेक्रेटरी मिस्टर संदीप जी मोहम्मद से, जो अच्छा ताइक्वांडो के लिए एक सुवर्ण युग लाने वाले, पूरे महाराष्ट्र के लिए दिल्ली में मैच देने का उन्होंने आज ही सबको बता दिया था कि सब जिलों में ताइक्वांडो के मैच शासन की ओर से हम लोग देंगे, जरूर देंगे। मगर उसके लिए जो 3.5 लाख का ड्रेस रहता वो देने की तरह व्यवस्था करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग इंटरनेशनल हो, क्योंकि स्किलफुल बच्चे हैं, मगर हम लोग इक्विपमेंट की वजह से हम लोग आगे नहीं ला पा रहे। जैसे हॉकी का उदाहरण हमारे पास है, कम से कम 2.5 बच्चा हमारे स्किल में मैं जान नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास अस्टोर कहीं नहीं है फिर पुनः आरोप के बाद। ऐसे हमारे उपाध्यक्ष जी, उनका भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। उनके साथ जो नागपुर से टीम आई सभी उनके साथी, उनका भी आभार प्रदर्शन करता हूँ। हमारे बीच है आज दीपेंद्र जी, जिन्होंने ये टूर्नामेंट सक्सेस करने के लिए अपने कंपनी की ओर से, जब तक राजाश्रय नहीं होगा कोई कुछ नहीं कर सकते। इतने सारे बच्चों का खाना रहना बहुत अच्छी व्यवस्था करने की व्यवस्था की, और उसमें मैं देख रहा था चंद्रगढ़ जी को जो टूर्नामेंट के पीछे उनकी जो चाह थी कि बेस्ट टूर्नामेंट, बेस्ट रहना, बेस्ट खाना बच्चों को, मगर वो सब करने के लिए जो फाइनेंसर होता है, जो पैसे लगते हैं, आज इनके किसी के थ्रू हमारे प्रतिनिधि मिल जाए, इनका मैं कंपनी का और उनका शुक्रगुजार हूँ, आभार प्रदर्शित करता हूँ। मगर आभार प्रदर्शन काम नहीं चलेगा, उसके बाद भी उन्होंने बोला था कि कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर करना चाहिए। अमरावती नगरी में मैं कोई नेशनल खेला हूँ, नेशनल ऑर्गेनाइज किया है हमारे ग्राम में, यहाँ प्रेक्षकों की पूरी कमी नहीं, मैं चाहता तो पूरा स्टेडियम भर सकता, मगर यहाँ की जो सिचुएशन थी दंगल की ओर से इसलिए बच्चे नहीं बुला पाए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगले साल टूर्नामेंट में जब भी लेंगे पूरा स्टेडियम आपको खुल दीजिएगा, ये मैं अमरावती की ओर से आपको गारंटी देता हूँ। सर इसके बाद हमारे गोवा से आए हुए आज के स्पर्धा के ऑब्जर्वर हमारे मित्र मेजर को इलेक्शन जो हुआ था, आज इलेक्शन का मैं ऑलिम्पिक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑब्जर्वर था, इसलिए थी मैं इतनी कार्यक्रम में भेजा, तब वो ऑब्जर्वर अभिना आर्थिक अश्विन की तरफ से आए थे महाराष्ट्र आर्थिक अश्विन का, श्रीमान कविंदर सर
जो गोवा से आए उनका मैं शुक्रगुजार गुजार हूँ। पिछले बार तो आप मेरे ख्याल से गाड़ी से आए थे हैदराबाद होकर, सर आपकी वजह से ही आज ये एक्सीडेंट मिल रहा है हमको। इसके बाद आज ये जजेस का और जजेस का जो ट्रेनिंग मिला है जजेस से बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता है। उसे उनके भाषण में कहा था कि जब मैं जजेस के एग्जाम दिया था मैं को भी फेल किया था। ऐसे जजेस बहुत निष्पक्ष आदमी है और अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, लेवल वन का कोचेस का हो या फिर जजेस का ट्रेनिंग हो बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। उनके हम नगर तरीके समिति की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और प्रदर्शन करता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज जिनका जिनकी वजह से प्रशांत जी हमारे यहाँ पे है उन्हें मार्गदर्शन किया था हमारे अमरावती की पहली माँ को आदरणीय विद्यालय देशपांडे जी हमारे माता उनको भी इस टूर्नामेंट में आके बच्चों को आशीर्वाद दिया जिसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। इसमें आज हमारे क्रीड़ा भारती के हरदास जी हमारे सब माननीय प्राध्यापक रविंद्र सर जो प्राचार्य थे नागपुर शहर शिक्षा महाविद्यालय में जो आज क्रीड़ा संस्कृति के लिए दिन रात एक कर रहे हैं सर पूरी क्रीड़ा संस्कृति क्रीड़ा भारती आज उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे आए उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ आभार प्रदर्शित करता हूँ। और इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने वाले सारे क्रीड़ा मार्गदर्शक स्वयं सेवक और सभी व्यवस्थापक जिन्होंने जो भी हमारी व्यवस्था है बहुत अच्छी बोला है, किसी भी खिलाड़ी को कुछ व्यवस्था गैर व्यवस्था हुई या नहीं हुई ऐसे सारे व्यवस्थापक कोचेस इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आज ये टूर्नामेंट सक्सेस करने के लिए जितने भी न्याय न्याय लोग थे जो हमारे दादा जी हो या खाना देने वाले हमारे नवनीत जी हो इनका सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा सक्सेस करने वाले हमारे अमरावती के सर्व क्रीड़ा प्रेमी इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। सबका आभार प्रदर्शन करता हूँ और अध्यक्ष कुमार की परवानगी से आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। जय हिंद जय महाराष्ट्र।